Hello sir, how are you? Okay, bye. ये होटल बंद है सर, इसका केयर टेकर मैं हूँ। यहाँ पर कोई कमरा नहीं है, कहीं और जाके देखो। आ, 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 आ,
छोड़ दो, मुझे छोड़ दो प्लीज। और कितना दूर है? यही कोई 100-150 किलोमीटर। कब पहुंचेंगे ये पूछा? नहीं, तुमने पूछा कितनी दूर है। अगर कोई कार में बैठा है और डिस्टेंस पूछे तो टाइम बताते हैं। अरे यार, क्यों परेशान कर रही हो? मैंने बोला ना, 1-2 घंटे लगेंगे पहुंचने में। 1-2 घंटे में डिस्टेंस डबल हो जाता है। अब मैं तुम्हें पक्का कैसे बता सकता हूँ? मैं भी इस रास्ते पर पहली बार ही आ रहा हूँ। रास्ता मेरे लिए भी नया है, पता नहीं आगे रास्ता अच्छा है। अगर अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं? तुम इतना दूर तक ले आए हो और बोलते हो रास्ते का पता नहीं है। हम इतनी दूर आ गए हैं इसीलिए डाउट हो रहा है। इस रास्ते से आए ही क्यों जब पता ही नहीं था? तुमने ही जिद की थी, मुझे अपने फ्रेंड की शादी अटेंड करनी है, याद है? इसीलिए मैंने ये शॉर्टकट लिया। अगर हम जल्दी निकलते तो मेन रोड से ही जा सकते थे। मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही थी, इसीलिए मुझे बॉस को मनाना पड़ा। उसमें थोड़ी देर हो गई, इसीलिए हम इस शॉर्टकट से जा रहे हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? हमारी कार रुक गई है। कार रुक गई है ये मुझे भी पता है, लेकिन हमारी कार रुकी क्यों? क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं पता चला, क्योंकि कार रिपेयर के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तो देख क्या रहे हो? कुछ चेक करना था, इसीलिए देख रहा हूँ। एक चलती हुई कार कैसे रुक गई? ये सवाल तुम कार से पूछो। बकवास मत करो, तुम इस खटारा गाड़ी को क्यों लेके आए? अब क्या करेंगे? शायद वहाँ एक रिजॉर्ट है, अगर नसीब अच्छा हुआ तो मैकेनिक मिल जाएगा। आओ देखते हैं। हेलो, यहाँ कोई है क्यों नहीं? मुझे कैसे पता होगा, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही यहाँ आया हूँ ना। मैंने तुमसे वही पूछा जो सवाल मेरे दिमाग में था। आप लोग कौन हैं? वो यहाँ का रिसेप्शनिस्ट कहाँ है? मैं हूँ रिसेप्शनिस्ट। आपके यहाँ पर कोई मैकेनिक है क्या? ये होटल है, यहाँ मैकेनिक का क्या काम? मैं जानता हूँ कि ये एक होटल है, पर मुझे लगा कि यहाँ एक मैकेनिक होगा। पूछना कोई गुनाह है क्या? कोई मैकेनिक है तो बताओ। यहाँ मैकेनिक नहीं है। अब क्या करेंगे? अगर तुम मेरी जगह होती और हमारे साथ ये सब होता तो क्या करती, वो बताओ। तुम आदमी हो, तुम बताओ, मुझे क्या पता कि क्या करना है। फोन में नेटवर्क नहीं है, यहाँ से एक फोन कर लो। फोन भी खराब है। अब क्या करेंगे? एक काम करते हैं, यहाँ पर एक कमरा लेते हैं, फोन ठीक होने का वेट करते हैं, मैं किसी मैकेनिक को ढूंढता हूँ, ठीक है? कोई कमरा नहीं है। एक कमरा खाली है। हेलो,
नंबर 8 दे दो। ऐसी जगह है, एकदम वीरान खंडर होटल है। वो रहा अपना रूम। कितना साफ है। हम यहाँ रहेंगे? यहाँ नहीं रहना है ना, एक जगह और है। कौन सी? मेरा सर। मजाक मत करो, समझे? एक तो तुम मुझे इस गंदी वीरान जगह पर ले आए और ऊपर से मजाक कर रहे हो। इसे साफ करो। मैं कैसे साफ करूं? ये मेरा काम थोड़ी है। उनको कॉल करो और कहो कि इसे साफ करे मेरे पतिदेव। क्या हुआ, क्या हुआ? चुपकली। हाँ वो चली गई, अब तुम शांत हो जाओ। क्या मैं इसके साथ सोऊंगी? आराम से। रूम साफ करने को कहो प्लीज। तुम यही रुको, मैं बोल के आता हूं। कमरे से आवाजें आ रही है। हाँ तो? हाँ तो क्या, मैंने उस कमरे से आवाजें सुनी है। कोई गेस्ट आया होगा। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या नहीं, ऐसा ही है। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ ऑर्डर करो ना। रिंग जा रही है क्या? रिंग जा रही है, तभी तो फोन पकड़ के खड़ा हूं। सुन लो, हेलो।
कोई है? हेलो, फोन बज रहा है। हेलो, सुनाई नहीं देता क्या? फोन बज रहा है क्या? अरे क्या क्या, फोन बज रहा है, सुनाई नहीं देता? कौन सा फोन? इतनी देर से वो फोन बज रहा है, तुम बहरे हो क्या? मैं बहरा हूं। हेलो, इतनी देर से फोन रिंग हो रहा है, गेस्ट के लिए कोई जिम्मेदारी है या नहीं? होटल है या फिर कब्रिस्तान? मैं हूँ। कौन मैं हूँ? मैं हूँ सुधीर। उफ, तुमने क्यों फोन उठाया? यहाँ का रिसेप्शनिस्ट बहरा है, इसीलिए मैंने फोन उठाया। अब मेरा दिमाग खराब मत करो, फोन रखो। जल्दी से मेरे रूम में मेन्यू कार्ड भेजो। कुछ सुनाई दिया तुम्हें? रानी, सुधीर, उस रूम से फिर से आवाजें आ रही है। तो क्या? तो क्या? अरे मैं अजीब आवाज सुन रही हूँ। अरे गेस्ट लोग आवाज कर रहे होंगे। Are you sure? Yes, I am sure. ठीक है, तुम भी ना रानी। ये क्या है? मेन्यू। मेन्यू देने के लिए तीन लोग आए हैं, डोर नॉक नहीं कर सकते? मेन्यू। ये लो ऑर्डर करो। फॉर रोटीज, चिकन कर्ड राइस, चिकन सूप। पहले सूप लेकर आओ। नहीं है। तो और क्या है? कुछ भी नहीं। जब कुछ नहीं है तो तुम मेन्यू लेकर क्यों आए? तुमने मंगाया। अबे पूछे तुम्हें? सुधीर, ऐसे बात करते हैं अपने गेस्ट से? अपने मैनेजर को बुलाओ। मैं हूं मैनेजर, नाम पापा। पापा? 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 आउट, गेट आउट, आउट, बाहर निकलो सब। देख क्या रहे हो, जाओ। तुझे अलग से बोलूं? अगर तुमने मुझे रोका नहीं होता तो बताता उन सबको। अब कौन है? दरवाजा खोलूंगा तो पता चलेगा ना। क्या है? जाओ जाके मैकेनिक ले आ। कितनी दूर है यहां से? यहां से कुछ 40 किलोमीटर दूर तुम्हें अमलापुरम में मिलेगा। अमलापुरम? लेकिन वो तो ईस्ट गोदावरी में है ना? यहां भी अमलापुरम है। रानी चलो। दोनों एक साथ नहीं जा सकते। क्या गारंटी है कि वापस आओगे ये यहीं रहेगी? ये मेरी कार की गारंटी होगी। कार गारंटी? ये यहीं रुकेगी, नहीं जाना हमें। गेट आउट, आउट। चाबी ये लो, जाओ। पागल कहीं का। सुधीर, मुझे ये लोग बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं। मुझे भी नहीं आ रहे हैं। मुझे ये तीनों के तीनों चोर लगते हैं। चोर के साथ साथ
मुझे तो ये लोग बहुत खतरनाक भी लग रहे हैं सुधीर। सुनो, मुझे लगता है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम इतना डर क्यों रही हो? इस वक्त तुम अपनी हीरोपंती अपने पास रखो। हमें तो ये भी नहीं पता कि कितने लोग हैं, क्या हथियार है इनके पास, हम क्या कर सकते हैं कुछ नहीं पता, लेकिन तुम्हें अपनी हीरोपंती दिखानी है। ऐसी बात है क्या? ऐसी बात नहीं है सुधीर, यही बात है। आप भाग रहे हो? हम अमलापुरम जा रहे हैं, गेट पे ताला क्यों लगाया? मैनेजर ने लगाया होगा। लेकिन ताला लगाया क्यों? मुझे नहीं पता, वो मैनेजर है। वो है कहाँ? बाहर गया है। कहाँ गया? मुझे नहीं पता। अरे कैसे नहीं पता? मुझे बता के नहीं गया है। तो अंदर से बंद करके वो कहाँ चला गया? अंदर है पर बाहर गया है। कितनी देर में आएगा? एक घंटे में। घूर क्यों रहा है? क्या हुआ? बोल, घूर क्यों रहा है? एक घंटा, एक घंटा, एक घंटा, एक घंटा, एक घंटा। मैं इतनी देर से तुमसे कुछ कह रहा हूं, तुम्हें समझ भी आ रहा है कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूं? अरे कुछ तो बोलो, समझ में आ रहा है क्या? अरे कुछ तो बोल। इसमें समझने जैसा क्या है? मैंने कहा ना, मैनेजर ताला लगा के अंदर गया है। यहां कुछ तो गड़बड़ है। वो ताला लगा के क्यों गया है? वो बाहर गया है। यहां कुछ तो बात जरूर है, तुम मुझे बताओगे यहां क्या हो रहा है? जो होना है वही हो रहा है, और कुछ भी नहीं। ओहो, इस आदमी की एक बात समझ नहीं आती। और इसे देखो, मुझे ये बताओ कि मैनेजर कब तक आएगा? बताया तो, एक घंटे में। वो पक्का आएगा? पक्का आएगा। ये बोल रहा है कि तुम बाहर गए हो? नहीं सुधीर, वो बोल रहा था अंदर गया है। अंदर हो या बाहर हो, उसने ताला क्यों लगाया? तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ रानी, बस बता रहा हूँ। नहीं, तुम चिल्ला रहे हो। तुम्हें औरतों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। ओहो, तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि औरतों से बात कैसे करनी है? अपने काम से काम रखो, गेट का ताला खोलो, हमें अमलापुरम जाना है। कौन सा ताला? कौन सा ताला क्या? अरे गेट का ताला खोलो, हमें अमलापुरम जाना है। ताले की चाबी नहीं है। पर इसने तो कहा कि चाबी तुम्हारे पास है।
चाबी मेरे पास नहीं है, मैनेजर के पास है, वो बाहर गया है। वो बाहर गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। ओए यहाँ कोई कॉमेडी चल रही है क्या? ओए रिसेप्शनिस्ट, तुमने क्या कहा था? कहा था ना कि ताला मैनेजर ने लगाया है। हाँ ऐसा है? हाँ। अरे तुमने कहा था तुम मैनेजर हो? हाँ हूँ। तो फिर ताले की चाबी कहाँ है? मेरे पास नहीं है, मैनेजर के पास है। अरे तुम पागल हो या मुझे पागल कर रहे हो? चल क्या रहा है? तुम कहते हो तुम मैनेजर हो लेकिन चाबी तुम्हारे पास नहीं है। ताला दूसरे मैनेजर ने लगाया। हमारे होटल में दो मैनेजर हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। दो 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 एक घंटा एक घंटा एक घंटा एक घंटा एक घंटे में नहीं आया तो वो आएगा। तुम तो अभी वहां थे ना, इतनी जल्दी यहां कैसे आ गए? अरे तुमसे पूछ रहा हूं। ए, 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 रुको रुको, तुम तो अभी अभी वहां थे ना, इतनी जल्दी यहां कैसे आए? अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जवाब दो, तुम इतनी जल्दी यहां कैसे आए? सुधीर ये कैसे आया जाने दो ना, चलो रूम में चलते हैं, चलो ना सुधीर। वो क्यों बुला रहा है? अब वहां जाऊंगा तो पता चलेगा ना क्यों बुला रहा है। क्या हुआ? सीटी क्यों बजाई? क्यों बुलाया? बोलो सीटी बजाकर क्यों बुलाया? बात क्या है? बोलो ना बात क्या है? उस दरवाजे से आए। ओहो सुपर फैंटास्टिक मॉडर्न आइडिया, माइंड ब्लोइंग माइंड ब्लास्टिंग माइंड बॉगलिंग। अबे दिमाग ठीक कर अपना, अगर वहां तुम नहीं होती ना तो मार मार के उनकी हड्डी पसली एक कर देता। ये सब के लिए तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? मैं तुम्हें सुना नहीं रहा हूं, वहां जो हुआ बस वो बता रहा हूं। हेलो हेलो हेलो, उन लोगों को हेलो हेलो, ये हमारे साथ खेल रहे हैं, अभी बताता हूं इनको। मैंने तुम्हें बताया था ना ये वही आवाज है। ये कैसी आवाज है सुधीर? मुझे कैसे पता होगा, चुप रहो सुधीर। हेलो 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 हेलो, कोई है? हेलो कोई है वहां? हेलो बंद हो गई। तुम यही रुको मैं देख के आता हूं। तुम यही रुको मैं देख के आता हूँ, डरो मत आओ, यहाँ बैठो 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 मैं देख के आता हूँ। रिलैक्स रिलैक्स, तुम यही बैठो मैं देखता हूँ, देख के आता हूँ। Thank you.
मेरे बगल वाले कमरे से आवाज आ रही है। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता मतलब क्या? मैंने खुद वो आवाज सुनी है। उस कमरे में कोई नहीं है। लेकिन मैंने आवाज सुनी वो। इस होटल में आपके और हमारे अलावा और कोई नहीं है। तो तुमने ऐसा क्यों कहा कि कोई रूम अवेलेबल नहीं? अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा? ऐसा हमारे मैनेजर ने कहा, इसलिए कहा था। मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई गेस्ट है या नहीं, मेरे कमरे में आवाज आ रही है। बताओ कैसी आवाज है? उस कमरे में भूत है। भूत है? आवाज भूल जाओ और बस रिलैक्स करो। उसने तुमसे झूठ कहा। किसने? रिसेप्शनिस्ट ने। किस बारे में? भूत के बारे में। मतलब? उस कमरे में भूत नहीं है। तो? चोर है। चोर है? अगर चोर है तो शोर क्यों मचा रहे हैं? hey! से क्या कहा? बोलो, बोलोगे? कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। अभी तुमने कुछ कहा, मना क्यों कर रहे हो? क्या इसने कहा कि उस कमरे में भूत नहीं चोर है? भरोसा करो, चोर नहीं, उस कमरे में भूत है। तो फिर इसने झूठ क्यों कहा कि उस कमरे में चोर है? यह बचपन से ऐसा ही है। उस कमरे में भूत है। भूत है? नहीं नहीं, रोना बंद करो, रोना बंद करो, डरो मत। वो लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? मैं भी जानना चाहता हूँ कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। तुम डरो मत, कहा ना डरो मत। डरो मत, डरो मत, क्यों ना डरो?
अरे मैं कह रहा हूं ना कि भूत नहीं है, जरूर कोई और बात है। यहाँ कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। पहले यहां से निकलते हैं। करेक्ट, सामने वाली सड़क से जाने से अच्छा है कि हम पीछे वाली सड़क से निकल जाएं। आओ रानी चलो। ए, क्या ए, हुआ सुधीर? दरवाजा खोलो। ए, ये बात कैसे हुआ? ओ नो, इसे खोलो सुधीर। दरवाजा खोलो। डर लग रहा है। कोई है क्या बाहर? भूत ने बंद किया होगा। ए, दरवाजा खोलो। उस कमरे में भी किसी को बंद किया होगा जैसे यहां हमें किया है। हेलो, कोई है? कोई है क्या वहां? क्या मुझे सुन सकते हो? कुछ तो बोलो, मेरी आवाज आ रही है? वो भूत है सुधीर। रुको, तभी तो हमारी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा। हेलो, कोई है वहां? मेरी आवाज आ रही है क्या? सॉरी कहोगे तो मैं दरवाजा खोलूंगा। सॉरी कहोगे तो मैं दरवाजा खोलूंगा। बोलो, सॉरी बोलो, बोलो। सॉरी, मुझे सुनाई नहीं दिया। सॉरी, दरवाजा बंद क्यों? क्या चाहते हो तुम सब? मुझसे क्या चाहते हो? हम सबको भूख लगी है, अमलापुरम जाओ और खाना लेके आओ। तुम्हारी बीवी का ख्याल मैं रखूंगा। मैं इसे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आगे तुम्हें जो करना है कर लो। तूने सुना नहीं, इसका ख्याल मैं रखूंगा। सुधीर, सुधीर मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ सुधीर। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? वो आदमी कहाँ है? वो भाग गया। वो लड़की कहाँ है? वो कमरे में है। उसको अकेले क्यों छोड़ा? वो कमरे में है। अबे रानी, रानी, रानी! यहीं पर थी। कहां गई वो लड़की? यहीं पर थी। मुझे तो नहीं दिख रही। अंदर नहीं है,
तो बाहर होगी। हाँ पागल, वहां देखते हैं। तेरी बेवकूफी की वजह से हो रहा है, तेरी ठरक की वजह से उन्हें आने दिया। मुझे क्यों बोल रहा है, तुम दोनों के रहते भी वो भागा ना। अगर राशिद भाई को पता चला तो सबको मार डालेंगे। कितने दिन से प्लान बना रहे थे राशिद भाई, सब कुछ प्लान के हिसाब से सही जा रहा था, पर तेरी वजह से सब खराब हो गया। ओए, अगर राशिद भाई को बताया तो तुम दोनों को मार दूंगा। मैं तुझे मार डालूंगा। रशीद को पुलिस ने पकड़ लिया है। मुन्ना भाई ने मुझे यहाँ भेजा ये बताने के लिए। तुम कौन हो? कौन हो तुम? मेरा नाम है शिवा। मुन्ना भाई के स्मगलिंग का बिजनेस मैं देखती हूँ। ये मेरा असिस्टेंट है, नाम रिचर्ड।
मुन्ना भाई ने कहा था सिर्फ तीन लोग ही होंगे, तो फिर ये कौन है? ये कहाँ भाग रही थी बताओ? बताओ यहाँ पे क्या चल रहा है? ये इसकी धड़कपन की वजह से इसने इसको और इसके हस्बैंड को रिसोर्ट में रुकने दिया। हस्बैंड? वो कहाँ है? भाग गया। भागेगा कहाँ, आएगा यहीं। उसकी बीवी जो यहाँ है। ओए, तू पागल हो गया है क्या? अगर उसने पुलिस को बता दिया तो मुन्ना भाई हम सबको जिंदा नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा। भाई ने तुमको क्या करने को कहा था और तुम लोग क्या कर रहे हो? पहले इस लड़की को बंद करो और इसके हस्बैंड को ढूंढो। कम ऑन, डू इट फास्ट। पापा, ए, रुको, तुम नहीं, पीछे, पीछे। ए, इसको रूम नंबर 9 में बंद कर दो। रूम नंबर 9? प्लीज, उस कमरे में नहीं, उस कमरे में भूत है। भूत है? सच में मैं कुछ नहीं बोलूंगी, कभी नहीं भागूंगी, बस मुझे उस कमरे में बंद मत करो प्लीज। ये भूत क्या है? अरे भूत भूत कुछ नहीं, ऐसी बोल रही है, लेके जाके बंद कर दो उसको। छोड़ो, बंद कर दो। प्लीज मुझे छोड़ दो। किडनैप किया हुआ है। उन्होंने जरूर मेरी बीवी के साथ डील फिक्स की होगी। वो क्या है ना, मेरी बीवी को मुझसे ज्यादा पैसा प्यारा है। वो तुम्हारे बिना पैसों का क्या करेगी? जब पैसा ही नहीं होगा तो मेरे साथ वो क्या करेगी? तुम्हें भी किडनैप किया गया है? हमें किडनैप नहीं किया, हम खुद यहाँ आए और इस जगह फंस गए। ये सब जो भी हुआ सुधीर की वजह से हुआ। बड़ा शॉर्टकट शॉर्टकट बोल रहा था, यहाँ लाकर फंसा दिया। अब मैं कैसे निकलूं? बॉयफ्रेंड है? नहीं, मेरा पति। मैं इसका पति नहीं हूँ, ये मेरी पति है। ये तुम्हारा पति है? ये रहा तुम्हारा भूत। सुधीर प्लीज हमें बाहर निकालो, यहाँ से डर लग रहा है। वाह 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 वाह, सुपर फैंटास्टिक, व्हाट एन आइडिया मैडम। उसे ढूंढ नहीं पाए तो सब बर्बाद, और अगर उसने पुलिस की मदद ले ली तो एनी टाइम वो हम पर अटैक कर सकते हैं। तो अब क्या करें? क्या करें? अगर मुन्ना भाई को पता चला तो वो पहले हमें मार डालेगा। सबसे पहले हमें ये जगह बदलनी होगी। वो बिजनेसमैन, उस बिजनेसमैन को कहाँ छिपाया है कुछ पता है? मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स। अभी हमारी जान बची नहीं है, एक बार बच जाए तो थैंक्स कहना। फिर तो हम लोगों को रूम में रहना था। एक काम करो, क्या? तुम जाकर रूम में रहो, हम दोनों उन सबको संभाल लेंगे। आई एम सॉरी। इट्स ओके। ठीक है। तुम दोनों यहीं पर रुकना है, मैं जाकर देखता हूं। जाओ, छुप जाओ। बहुत अच्छा आदमी है।
अच्छा आदमी, इसकी वजह से यहाँ फंसी हूँ, घर पहुँच के खबर लूंगी। आई एम सॉरी। दोनों के दोनों यहाँ से भाग गए, जरूर उसके पति ने मदद की होगी। कमरे पर ताला लगा था, फिर भागे कैसे? अच्छा, वो लोग कैसे भागे? क्यों ना इस पर एक इंक्वायरी कमीशन बिठा दे, ये केस क्यों ना सीबीआई को दे दे। अरे भगवान ने तुझे भेजे के साथ भेजा है कि नहीं? मुन्ना भाई को पता चल गया तो हम सबको टपका देगा, बेवकूफ कहीं का। सबके सब बेवकूफ हो। वैसे एक बात बताओ, दोनों को एक ही रूम में रखने का आइडिया किसके भेजे में आया बताओ? उस लड़की को पहले ही मार देना चाहिए था, गलती कर दी मैंने। अब देख क्या रहे हो, जाओ जाकर ढूंढो, ये सब गड़बड़ तुम लोगों की वजह से ही हुई है, उसे ढूंढे बिना मत आना, जाओ। रिचर्ड गो। तुम्हें लगता है ये बैट है? ये एक डबल बैरल गन है, अपनी गन दो। रिचर्ड वो गन नहीं बैट है। Thank you.
अगर मैं कहूं कि ये बैट नहीं गन है तो तुम विश्वास करोगी? पर ये बैट नहीं है, गन ही है। गन इसको बोलते हैं। ओके ओके, मैंने कोशिश की पर कामयाब नहीं हुआ। आखिरी बार पूछ रही हूँ, मूर्ति कहाँ है? लेकिन तुमने पहली बार कब पूछा जो आखिरी बार पूछ रही हो? तुझे तो तुम सोचते हो मैं अकेला हूँ? पूरा डिपार्टमेंट यहाँ है, वो दीवार के पीछे, उस झाड़ के पीछे। सुनो रे, गुंडों को शूट करते समय मुझे मत शूट कर देना। अगर किसी ने मुझे एक गोली मारी तो मैं उसके अंदर 100 गोली घुसाड़ दूंगा। सर 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 सर, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए सर, मैं बहुत बहुत खुश हूँ सर। ये सब गैंगस्टर्स हैं, इन्होंने बिजनेसमैन नारायण मूर्ति को किडनैप किया है। मैं और मेरी वाइफ जब यहाँ है तो हमें भी पकड़ लिया। मैं इनके खिलाफ कंप्लेंट करना चाहता हूँ इमीडिएटली सर। इफ यू डोंट माइंड, मेरा चश्मा लगा देंगे? बिजनेसमैन नारायण मूर्ति को किडनैप किया तुमने? चाहूं तो कोर्ट की जगह यही तुम्हारा फैसला कर दूं, इनकाउंटर करके तुम्हारा खेल ही खत्म कर दूं। किडनैपर बनते हैं। हाँ, कौन है लीडर, कौन है तुम्हारा, कौन है बोलेगा? या मैं इंस्पेक्टर शिवा, नाइस टू मीट यू सर। वैसे आप कौन से थाने से हैं? बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, दुबई। अरे ओ पागल लेडी इंस्पेक्टर, मैं ही हूं मुन्ना भाई। मुझे पता चला कि रशीद को पुलिस ने पकड़ लिया है तो मैं तुम सबको यहाँ बचाने के लिए चला आया। मुझे नहीं पता था कि तुम कौन हो, इसलिए नाटक किया। प्रमोशन चाहिए तुम लोगों को। किडनैपिंग करने को कहा था तो तुम लोगों ने क्या किया? जाओ जाके नारायण मूर्ति को पकड़ो। मूर्ति नहीं है। नहीं है मतलब? ये सब इस पापा की वजह से हुआ। अब वो सब मैं बाद में बताऊंगा। मूर्ति को इसने भगाया। जाओ जाके ढूंढो, जाओ जाओ जल्दी। ओए मूर्ति कहाँ है? नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं बताएगा तो ठोक दूंगा तेरे को इधर ही। मुझे पता है। तो बता। नहीं बताऊंगा। अबे शाना मत बन, समझा? मुझे देख लूंगा। अबे क्या देख लेगा? मैं एक क्रिमिनल हूँ और तू एक नॉर्मल आदमी, तू क्या देखेगा? पैमाने पर बताऊंगा तुझे। क्या दिखाएगा बे? जरा वहाँ देख। उधर क्या है? ओह गॉड, बाल बाल बच गए। रिचर्ड एक मिनट, हमें एक साथ रहना चाहिए या अलग अलग रहना चाहिए? अपना सर मत हिलाओ, हाँ या ना?
मैं हाँ समझू। चलो मुझे धक्का दिया, मिलेगा तो जान से मार दूंगा। तू मुझे क्या मारेगा, एक हिंदी पिक्चर की पुरानी चाल में फंस गया तू। तू जैसे गधे को डॉन किसने बना दिया है? बताता हूँ, तू कहाँ है बे? मैं तेरे पीछे हूँ। अच्छा या भी नहीं। तू कहाँ रे? यही हूँ मैं, आजा। तुझे मार डालूंगा। हाँ हाँ, देखते हैं कौन किसको मारता है। अबे अबे, मेरे पास दो दो बंदूक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आजा। तेरे पास भी बंदूक है? बंदूक नहीं है तो तू इधर आ, तुझे दिखाता हूँ। तो फिर क्या है? मेरे पास क्या है तुझे दिखाऊंगा, हिम्मत है तो यहाँ। ए, ए, मेरे साथ शान पट्टी मत कर, मैं भी डॉन हूँ, समझा क्या? अरे डॉन है तो डरता क्यों है? तू डॉन है ना, तो मैं भी कम नहीं। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, समझा? आ रहा हूँ मैं, अभी बताता हूँ मैं कौन हूँ। फिर से उल्लू बना गया शाला। कहाँ गया रे? ओ डॉन भाई, यहाँ हूँ। दरवाजा खोल, बंद करके कहाँ चला गया? अरे दरवाजा क्यों ठोक रहा है, वहां से बाहर आ जाना जहाँ से मैं आया। अबे गधे, माफिया के नाम पे कलंक है तू, कलंक। मिलेगा तो छे की छे उतार दूंगा। कहाँ गायब हो गया? कहा था ना तू मेरे हाथ से ही मरेगा। अब भी समझ नहीं आ रहा तुझे डॉन किसने बनाया? ए, तुझे मुझ पर शक है क्या? भरोसा करो और पीछे देखो। तुझे पागल लगता हूँ मैं बार बार तेरी चाल में नहीं फंसने वाला, मैं सब जानता हूँ। अगर पीछे देखोगे तो पता चलेगा कि पीछे कौन खड़ा है। भाई, भाई, भाई। इसको बाद में निकालना, पहले उनको पकड़।
मुंह बंद कर मरवाएगा। अब नहीं बचोगे। ऐसे क्यों चल रहा है? कोई भूत घुस गया क्या तेरे अंदर? रुक जा, वहीं रुक जा, बोला ना रुक जा। क्या हुआ? क्या दिखा रहा है? ए, मेरे साथ मजाक मत कर वरना सर फोड़ दूंगा। ए, क्या दिखा रहा है? क्या इशारे कर रहा है? पीछे देख। हिला तो खोपड़ी खोल दूंगी। रिचर्ड, माय गन तेरे लिए हथकड़ी। ये था मुन्ना भाई? मुन्ना भाई है या टुन्ना भाई? सुधीर, एक आम आदमी होते हुए भी तुमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमारी बहुत मदद की। What can I do for you? क्या आप कार रिपेयर करना जानती हैं? Sure. अगर हमें वहाँ पर कुछ हो जाता तो क्या होता? अरे लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना। मुझे पता है, पर अगर कुछ हो जाता तो क्या होता? मैं यही पूछ रही हूँ। जो होना होता है वही होता है। पर मैं पूछ रही हूँ, अगर कुछ हो जाता तो क्या होता? रानी, कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। मतलब जवाब नहीं है? इसका जवाब नहीं है, लेकिन जान बची तो लाखों पाए। जान बची तो लाखों पाए।